अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से मेडचल डिस्ट्रिक्ट के सदर मोहम्मद अमजद खान ने बोईनपल्ली के एक स्कूल में बच्चों को कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए मास्क तकसीम किया, ताकि बच्चे ये बीमारी का शिकार ना बने। इनके अलावा इसार अली भी मौजूद थे और इस स्कूल की प्रिंसिपल शिव कुमारी ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अपने स्कूल के बच्चों का अच्छा ख्याल रखेंगी। उम्मीद है कि हर स्कूल में ऐसे ही काम को अंजाम दिया जाए। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। से मेरी गुजारिश है और सारे बच्चे कोशिश करेंगे सैनिटाइजर की छोटी बोतल अपने साथ लाएं।
हर पूरी ईयर को अपना सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ करें, क्योंकि ये जो वायरस है बहुत ही खतरनाक वायरस है और ये वायरस एक दूसरे से फैलता है। जैसे हम किसी के सामने छींक मार दिए या खांस दिए तो उससे भी ये वायरस फैलता है। तो हमें चाहिए कि जब भी छींक आए हमें या कुछ आए तो हम अपने हाथ को कवर कर लें और जो अपने आसपास है जरा वो ध्यान रखें कि उसका छींक हम तक ना आए। समझे आप, थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और एक चीज ये है, कोरोना वायरस से बचने का एक आसान तरीका ये है, जो चाइना का ओल्ड डॉक्टर भी इसे प्रेफर करता है और हिंदुस्तान के जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है ये भी मानते हैं कि जिंजर, समझते हैं ना आप लोग जिंजर, मैडम जिंजर के पहले हमारे चिप्स करके आप तो 1 लीटर बॉटल में थोड़ा सा जिंजर डाल के उसको बॉइल कर लें, फिर वो पानी है ना आप साफ बॉटल में डाल के थोड़ा थोड़ा पीए तो उससे भी आपको इससे इफेक्ट नहीं होगा। ये चाइना के डॉक्टर्स का मानना है और हिंदुस्तान के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का मानना है। और लाइसेंस जलाएं, जला के लाइसेंस खाने के मीठा होगा, जलाने के बाद लाइसेंस मीठा हो जाता है तो वो लाइसेंस भी आप जला कर खा सकते गार्लिक में एक लाइसेंस गार्लिक से गार्लिक ओके बच्चे ठीक है।